علیکم ناظرین، پروگرام سندھ ایشو سان گڈ مان آواں جو میزبان امتیاز مستوئی ان بھیرے موجود آہوں سندھ ایکسپو، سندھ لائف اسٹاک ایکسپو میں، جتے جانورن جی نمائش ان جی پالنا ان بابت سیمینار ڈاکٹری جے کے مانو ہیں، ڈاکٹری شعبے سے جے لاگل لاگل پر مانو ہیں ان جے پارا میں اسٹال قائم کیا ہیں، جانورن جی جے خوراک ہوندی ہے انن جا بھی جے کمپنی ہیں انن جا بھی اسٹال لگل ہیں، مختلف جانورن جی نمائش کی ویندی، میلن جو میلا ہیں انن جو بھی تمام کیا ہے، گھوڑن جی ریس ہے، اٹھن جی ریس ہے، ملاکھڑو بھی تھین دو، جو ثقافتی میوزیکل شو ہے وہ بھی تھین دو، میلے جی باقاعدہ جے شروعات ہے وہ تھی چکا ہے، پی پی ایم پی اے لیڈیز ونگ جی صدر ہے میڈم فریال تالپور صاحبہ انہوں پارا میلے جو افتتاح کیا ہے، جن ان موقع تے صوبائی وزیر باری خان قطافی بھی موجود ہوا، اچھو تو ان میلے میں جے موجود مانو ہیں انہوں سے گالائیں تھا ان اڑن میلن سے اڑے ایکسپوز سے جے کو مالون مانو ہے جے کو عام مانو ہے ان کی کیڑی جان ملے تھی ان کے کیڑا فائدہ ملندا، کوشش کرنا تھی صوبائی وزیر باری خان قطافی ان کھاتے جے جو سیکرٹری ہے انہوں سے گالائیں تو یہ جے کو میلو ہے یہ جے کو ایکسپو لگایا ہے ان جو اصل مقصد چھا ہے ان سے عام مانو کے جے کو مالون دا ہے جے کو مال دھارے تو جے کو مال پالے تو ان کے کیڑو فائدہ ملندو، اچھا تو ان سے گالائیں تھا ان وقت اسا گھر ایکڑی بی ایم پی اے ادی ہیر سو صاحب موجود ہے انہاں کا پوچھندا سی تو یہ جو کو سندھ لائف اسٹاک ایکسپو ہے حیدرآباد میں جو لگایا ہوا ہے جن میں مختلف قسم جا جانور جانور بھی آندا ہوا ہیں، گھوڑن جی ریس ہے، اٹھن جی ریس ہے، ملاکڑو بھی ہے، ثقافتی میوزیکل پروگرام بھی ہے، ان سے مان کے کیڑی اویئرنیس ملندی سندھ گورنمنٹ ان کا علاوہ کیڑا قدم کھیا ہیں جن سے عام مانو کے جو جانور پالے تو ان کے ان میں فائدہ ہوتا، ادی بدھائے جو ان ایکسپو سے عام مانو کے یا جو جانور پالے تو آباد گھر ان کے کیڑو فائدہ ہوتا، ॾिसो हिकिड़ो त तमामु घणो सुठो इनिशिएटिव आहे अॼु जो जेको प्रोग्राम ख़ासि ॿिनि ॾींहंनि जी जेका नुमाइश आहे उहा न सिर्फ़ु सिंध जी बल्कि मुख़्तलिफ़ सूबनि मंझा बि जानवर सां आया आहिनि, हिकिड़ो त इंटरेक्ट थो थिए तव्हांजा राबता वधनि था ऐं कंहिं केतिरो कमु कयो आहे लाइफ स्टॉक जे हवाले सां, फिशरीज़ जे हवाले सां ऐं उनजे हवाले सां जेके वर्किंग आहे, ॿियो सिंध गवर्नमेंट हिन में तमामु घणा इनिशिएटिव वरिता आहिनि फिशरीज़ जे हवाले सां, हुननि इहो कयो आहे त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते तालाब ठाहिया विया आहिनि, अवेयरनेस ॾिनी आहे, लाइफ स्टॉक में पोल्ट्री जे हवाले सां कमु कयो वियो आहे त जेके तक़रीबनि 100 जे क़रीब जेके आहिनि उहे मुर्गियूं वठी ॾिनियूं आहिनि, शीट्स ठाहे ॾिनी आहे मुर्गी जे हवाले सां, अहिड़े तरह सां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स कया पिया वञनि ऐं हीअ जेको प्रोग्राम्स आहे ओवरऑल इन हवाले सां कयो वियो आहे त माण्हुनि खे अवेयरनेस मिले, माण्हू पंहिंजी जेके लाइफ जी ग्रोथ आहे उनखे कीअं वधाइनि, कीअं इनपुट मिलनि, त सम्झूं था त सिंध में तमामु घणी ज़रूरत हुई अहिड़नि प्रोग्रामनि सी जी अहिड़नि पार्टिसिपेशन सां, हिन सां न सिर्फ़ु असांजे मालूदनि खे असांजे ॻोठाणनि खे फ़ाइदो थींदो बल्कि हुननि जी जेका जेको ख़ासि तौर ते इनकम आहे उहो वधंदी ऐं हुननि जी नॉलेज में बि तमामु घणो फ़ाइदो थींदो। साहिबा जा जेके वीचार आहिनि उहो ॿुधा, हाणे हलंदासीं कोशिशि कंदासीं सूबाई वज़ीर जेको वारी पिताफ़ी आहे उन सां ॻाल्हायूं त हीउ जेको छो त मेन ऑर्गनाइज़र उहे आहिनि उन्हनि हीउ जेको प्रोग्राम जेको आहे जोड़ियो आहे उनखां पुछंदासीं त इन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं ॿियूं रखियूं आहिनि जंहिंजी असांखे अञा ताईं ख़बर न लॻी ऐं वधीक उन ते इहे कहिड़ी ॻाल्हि था कनि उन सां ॻाल्हाईंदासीं। हैदराबाद सिंध जेको लाइफ स्टॉक जेको एक्सपो आहे उते मौजूदु आहियूं, सूबाई वज़ीर बारी खान पिताफ़ी मौजूदु आहिनि, उनखां जेको शॉर्ट इहो एक्सपो थियो आहे उनजे बारे में थोरी ॼाण वठंदासीं। साईं इन मेले जो मक़सदु छा आहियो ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं नसलूं हिते मौजूदु आहिनि? इन मेले जो मक़सदु इहो आहे त असां पूरे पाकिस्तान जे भाॻियुनि खे या जेके रिवायती भाॻिया आहिनि असां उन्हनि में शोर पैदा कयूं ऐं शोर पैदा करे उन्हनि जेके असांजा भाॻिया आहिनि उन्हनि खे मार्केट ओरिएंटेड बणायूं ऐं मार्केट ओरिएंटेड बणाए करे उन्हनि जे लाइ ताकि उन्हनि जो फ़ाइदो थी सघे, उहे पंहिंजा जानवर मार्केट में आणनि ऐं उन्हनि खे ख़बर पए त असांजा जानवर इकोनॉमिकल आहिनि, उन मां 2 रुपया असांखे बची रहिया आहिनि या न बची रहिया आहिनि। ऐं ॿियो त हिन मेले जो मक़सदु इहो आहे त हिते तमामु तर ब्रीड्स जेके आहिनि उहे सभु एग्ज़िबिट असां कयूं आहिनि, सिंध जूं, पाकिस्तान जूं, जेके वेल नोन ब्रीड आहिनि जिनखे दुनिया सुञाणे थी या जेके दुनिया न बि सुञाणे थी, असां उहे ब्रीड्स खणी आया आहियूं। हिते ॿकरियुनि में तव्हांखे 30 खां वधीक ब्रीड मिलंदियूं, ढगियल में तव्हांखां 12 खां वधीक ब्रीड मिलंदियूं, तव्हांखे मेहनि में नीली रावी बि मिलंदी, कुंडी बि मिलंदी, असांजे पाकिस्तान में 2 ई मेन ब्रीड आहिनि। ऐं हाणे तव्हांजे साम्हूं लोहाणी ब्रीड वञे पई जेका पंजाब जी ब्रीड आहे, बलूचिस्तान में पाई वञे थी, पहाड़ी एरिया में जी ब्रीड आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु हिते मुख़्तलिफ़ स्टॉल आहिनि मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जा जेके असां हिते माण्हुनि जे लाइ एग्ज़िबिट कया आहिनि ताकि माण्हुनि खे ख़बर पए, ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि जा स्टॉल आहिनि त भई लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में कहिड़ा कहिड़ा इदारा आहिनि ऐं उहे माण्हुनि जे लाइ छा पिया कनि, उन्हनि खे अवेयरनेस ॾियण जे लाइ, उन्हनि खे नॉलेज ॾियण जे लाइ इहे सभु शयूं असां करे रहिया आहियूं। ऐं उन सां गॾो गॾु जेके लाइफ स्टॉक जा एक्सपर्ट्स आहिनि उन्हनि सभिनी एक्सपर्ट्स खे असां गॾु कयो आहे ऐं 2 ॾींहं असांजा सेमिनार बि हलंदा ऐं जेका नई रिसर्च आहे उहे पेश कंदा। हाणे तव्हांजे साम्हूं पंजाब जी दाजल जेका गऊं आहे उहा कैवल केट उनजी थिए पई, उहा वञे पई, त
इतने जेके ब्रीड्स हैं पाकिस्तान जो नॉन ब्रीड्स हैं उन सभी के एग्जिबिट किया है। पहले दफो पाकिस्तान में असो एडो वो मेलो किया है उनमें पाकिस्तान जो तमाम तर ब्रीड्स एग्जिबिट क्यों एकड़ी जगह से अस ये सभी जो शूं रखी हैं। जी इनमें बिल्कुल इंटरनेशनल शख्सियत भी हैं अस वे वो सी जी आयल हुआ इंडोनेशिया जो थाईलैंड जो उनका अलावा कुछ बहर जो ब्रीडर्स हैं एक अद ब्रीडर्स दुबई का आयल है एक अद ब्रीडर्स जो वो यूरोप वेल हो वो उतना अची कर मेले जो मुकाबलो बुधी उ आया माल खी इत सिंध माल खी कर पौता उनसा गो गु तुझ ब्रीड्स अड़ी मिलंद जे पूरी इलीट ब्रीड्स हैं नाया ब्रीड्स हैं उन्होंने वे कम करने की जरूरत है। ये असा मौको दिनों लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के डेवलप कर भागियन के डेवलप कर तो वो अचन सीखन सीखी कर इन माहौल के अगत वन जी मेले में मौजूद मानन सा तो या व्यूज भी वादी पर तक बुधा तो हलां तो जो सजे सिंध में जो मेहू पाली व्यवहार उन मुख्तलिफ़ नसलू नुमाइश ला पेश क्यों पे वन उनके मुख्तलिफ़ नसल है वो पेश क्या पे वन कैमरामैन मुझे दिखारे सके तो जो नसल मुख्तलिफ़ नसलन जो जो मेहू आन बागन पारा उ नुमाइश ला पेश क्यों पे वन उजू जो मेहू आन भलोर नसल जो जो मेहू आन उ नुमाइश ला पेश कर रहा है उनसा गो गुन पे बे नसल जो जानवर आन उ पेश क्या पे वन इन मौके से पीपी लेडीज़ विंग की जो सदर है फरियाल तालपुर साहब है सूबाई वजीर बारी खान पिताफी है उनसा गो पीपी एमपीएस लागापिल जो भी मूँ आन इन खाते जहाँ उ स्टेज पर वेठल मू ये नस भलोर नसल जो मेहू आन माल है उनके ऐसी भाग्या जो दाद दई रहा उनके जानवर बेहतरीन तरीके से पालिया उनकी पालना कई है ऐसे खूबसूरत तरीके से इन नुमाइश में पेश कया जानवर के ढे सुठे नमूने से सिंगारे वो है भागिन भी सकाफती ड्रेस पातल है भागिन के भी सुठे नमूने से नुमाइश में पेश कर रहा अगत हल्दी भागिन से ाल की कोशिश कहीं तो ये जानवर आज खूबसूरत जानवर आन उनके पालन में उनकी केतरी मेहनत होंगी है उनकी खुराक कड़ी होंगी है जो हि एक्सपो लगा वो है हैदराबाद में इनसा उन भागिन के कड़ो फायद कोशिश कहते तो उनसे ाल जी नाजरीन हैदराबाद में सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो जो लगा हुआ है उनमें पंजाब जहाँ लाइफ स्टॉक जो वजीर हैं उ मौजूद हैं उनका पुछंदी उनके इन एक्सपो में शिरकत शरीक थी महसूस थोड़ा है मेलो काफ़ी है मालवंदन के लिए उनके सहूलतूँ या उनकी नुमाइश लाइ स्टाइल कायम क्या जो नुमाइशी सरगर्मी कई पे वन मालवंदन ये काफ़ी हैं पंजाब के भेट में वो इन मेले के कें ऐसा या पंजाब में जो मेले मेला लगता है वे कें हूँ इनमें कड़ो फर्क है। सर हमें ये बता दिएगा कि पंजाब में भी इस तरह के मेले लगते हैं ये बारी खान पिताफी की तरफ से एक कोशिश है जो जानवर पालने वाले शौकीन अफराद हैं उनके लिए क्या क्या समझते हैं कि ये कैसा था आपने आपका तजुर्बा कैसा रहा इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी देहाती ज़िंदगी के अंदर लाइफ स्टॉक का एक बहुत अहम रोल है और बचपन में हमें अच्छी तरह याद है कि हम हर ज़िले के अंदर मेला मवेशियाँ बहुत बाकायदगी से देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज ख़त्म हो गया और मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ सिंध हुकूमत को, ख़ास तौर पे इनके वज़ीर लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ सरदार बारी पिताफी साहब को जिन्होंने एक बेहतरीन मेले का इनेकाद किया। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बेहतरीन ब्रीड्स को इकट्ठा किया। हमने पंजाब से अपने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के फार्म से भी मुख्तलिफ जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं उनको भेजे। हमारे डिपार्टमेंट ने अपना लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने एक स्टॉल भी लगाया हुआ है जहाँ पर हम जो जो सर्विसेज पंजाब में ज़िम्मेदारों को दे रहे हैं वो बता रहे हैं। आप समझें कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पर फार्मर्स को, ब्रीडर्स को, साइंसदानों को और ख़ुराक और मुख्तलिफ अद्वियात और मुख्तलिफ जो इससे टेक्नोलॉजी मुतल्लिक है उन तमाम लोगों को इन्होंने एक ही रूफ तले इकट्ठा किया जो एक बहुत मुस्बत और बहुत खुशाइन कदम है। और मैं समझता हूँ कि हमारा पिछले साल पंजाब के अंदर एक इवेंट हुआ था इंटरनेशनल बफलो कॉन्फ्रेंस तो इनका इवेंट उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, बेहतर भी है और अच्छा ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो हमें इन्होंने एक बड़ा बेंचमार्क दिया कि हमें इनसे अब आगे बढ़ना है और आगे बेहतर काम करना है। पंजाब के लाइफ स्टॉक के वजीर जो गालियों बुधियो उन्हें जो चवण है तो अड़ो फेस्टिवल गुजरियल साल लाहौर में पंजाब में भी थो हो पर ही जो एक्सपो लगाया हुआ हैदराबाद में ही उनका घणो ही बेहतर हो वो हाँ अगत कोशिश कंदा तो जो है अगत हली इन भी बेहतर इवेंट ठाइन इवेंट कन पर बारी खान पिताफी जो इवेंट किया है ये उनका घणो बेहतर हो। अजी नाजरीन सिंध लाइफ स्टॉक मेले में मौजूद आयूँ उत इन खाते जहाँ सेक्रेटरी एजाज साहब वे असर गुड मौजूद हैं उन्होंने पुछण की कोशिश कहते हैं मेले में शूँ जो लाइफ स्टॉक खाते पारा रखी हैं कड़ी कड़ी शूँ जो
आहिनि, हिते जेके फार्मर्स आहिनि या ॿिया जेके फार्मर्स कंपनी आहिनि उन्हनि पारां रखियूं आहिनि, ऐं कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा सेमिनार ऐं रिसर्च ते ॻाल्हायो वेंदो? साईं ॿुधाइजो त हिन जेको मेलो आहे हिन में फार्मर त शिरकत कनि पिया, लाइफ स्टॉक खाते पारां कहिड़ा कहिड़ा इंतज़ाम कया आहिनि, कहिड़ा सेमिनार हूंदा ऐं कहिड़ा जेके माहिर आहिनि उहे हिते मालवंदनि खे आगाही ॾींदा त माल खे कीअं पालजे, सुठियूं नसलूं कीअं रखजनि? अच्छा, इहे सभु इंतज़ाम असांजे पंहिंजे डिपार्टमेंट ई कया आहिनि, ऐं इन्हनि मालवंदनि खे गॾु करणु ऐं इन्हनि मालवंदनि जा कहिड़ा क़िस्म आहिनि उनजी सॼी सिलेक्शन बि असांजे डिपार्टमेंट कई आहे। उन्हनि खे सिलेक्ट करण खां पोइ उन्हनि जी अफ़ादियत ॿुधाइण त असां इहे छो था करणु वञूं उहो बि असां उन्हनि खे ॿुधाए चुका आहियूं, ऐं साॻी सिचुएशन में असां बाक़ी ॿियनि सूबनि मां बि असां उहो सभु पंहिंजो माल घुरायो। असां वटि जेके बि पंहिंजूं सिंधी जूं असली आहिनि ब्रीड्स, उन खां अलावा जेके असांजी मिक्स ब्रीड्स आहिनि उहे बि हिते डिस्प्ले ते रखियूं आहिनि। असांजा जेके सेमिनार्स आहिनि उन सेमिनार्स में मतलबु इलरी जो जेको प्रोफेसर आहे MNM इब्राहिम उहो बि आयल आहे हिते, ऐं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम खां अलावा असांजी जेका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब जी आहे फैसलाबाद जी, उतां बि माण्हू ईंदा। मूंखे हींअर उन्हनि जा नाला यादि कोन्हनि की जेको मां तव्हांखे ॿुधाए सघां। ऐं टॉपिक्स जेके आहिनि उहे माना न सिर्फ़ु इहो आहे त असांजी ब्रीड में कहिड़ियूं खामियूं ऐं ख़राबियूं आहिनि, उन्हनि खे कीअं इम्प्रूव करे सघे थो, असां पंहिंजे प्रोडक्शन कीअं वधायूं, उन जो सॼो जेको साइकिल आहे उहो उनजे बारे में उनखे ॿुधायो वेंदो। साईं इहो ॿुधाइजो त हीअ असल जेकी ॻाल्हि हूंदी आहे, मालवंद जेको माल पाले थो उनखे ख़बर न पवंदी आहे त माल बीमार आहे, जीअं इंसान खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त पेट में सूरु आहे, जंगि में सूरु आहे या जिस्म में सूरु आहे, हुनजे लाइ हुन आगाही लाइ के अहिड़ा सेमिनार आहिनि जेके आम माण्हू खे या जेके शुरूआती टिप्स आहिनि उहे? बिल्कुलु, उहे सेमिनार बि आहिनि, सेमिनार सां गॾु असां हिकिड़ो लिटरेचर बि जेको आहे हिननि खे इंफॉर्मेशन मटीरियल बि ठाहे करे ॾींदासीं, जंहिंमें असां जानवरनि खे कहिड़े जानवर खे साल में कहिड़े वक़्तु कहिड़ी बीमारी लॻी सघे थी ऐं उनजी वैक्सीनेशन कॾहिं कराइनि उहो सॼी बि इंफॉर्मेशन असां उनखे ॾियूं था, ऐं वैक्सीनेशन ऐं उहे सभु असांजे डिपार्टमेंट तरफ़ां फ्री कई वेंदी आहे, उहा ॼाण बि असां उनखे ॾींदासीं। जी हिन वक़्तु हैदराबाद सिंध लाइफ स्टॉक मेले में मौजूदु आहियूं, उते सिंध जा एडवाइज़र मौजूदु आहिनि असां सां गॾु, असिस्टेंट आहिनि उन्हनि जा, उन्हनि खां पुछंदासीं साईं हिन क़िस्म जा जेके मेला आहिनि उन सां आम माण्हू खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो? साईं ॾिसो, असांजो हिते ज़रे माश जेको आहे उहो जे 80% माण्हुनि जो तव्हां ॾिसो त उनजो लाइफ स्टॉक ऐं कैटल सां ई आहे, स उन लिहाज़ खां ही अहिड़ा हिन तरीक़े जा जेके शोज़ जेके आहिनि उहे थींदा त उन्हनि में आम माण्हुनि में जेके जंहिंजो ज़रे मुआशी जेको आहे सो इन मां मालम आहे त उन्हनि खे आगाही बि मिलंदी, उन्हनि खे फ़ाइदो बि थींदो, ऐं हिकिड़ो जेको आहे असां वटि हिन टाइप जा इवेंट्स घटि था थियनि त उहे जेके असां हिकिड़ी ॿाहिरि निकिरण जे लाइ उन्हनि जो आउटिंग जे लाइ बि सुठो आहे, उहो ईंदा हिते एंटरटेन थींदा ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि खे मालूमात बि हासिलु थींदी ऐं उहे वापसि वञी वरी उहे प्रैक्टिसिस जेके आहिनि उहे पंहिंजे फार्म सां इस्तेमालु करे सघंदा। अॼु माण्हुनि सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हलंदड़ आहे पर तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन जेका ई नुमाइश आहे ही सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो में बकरियुनि जी नुमाइश जारी आहे, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो भलोड़ क़िस्म जो जेके नसलूं आहिनि बकरियुनि जूं उहे नुमाइश लाइ पेश करे पियो, मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे थो त सिंध पंजाब थोरी ॿियनि जेके सूबनि जूं बकरियूं आहिनि भलोड़ नसल जूं उहे नुमाइश लाइ पेश कयूं पियूं, जेके भाॻिया मौजूदु आहिनि उहे हिते ॾिसी जेके मालवंद आहिनि जिन इहे पालियूं आहिनि उहे जेके जिन पेश कयूं उनखे दाद ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे शाबाशी ॾेई रहिया आहिनि, ताड़ू वॼाए उनखे दाद ॾेई पियूं। कोशिशि कंदासीं जेके इहे मालवंद आहिनि जेके शौक़ीन आहिनि जिन हिते माल आंदो आहे उन्हनि सां ॻाल्हायूं ऐं उन्हनि खां पुछूं हीअ जेके ख़ूबसूरत जानवर पालिया विया आहिनि इनजी पालण में केतिरी महिनत हूंदी आहे, केतिरी उन्हनि जी महिनत लॻंदी आहे जंहिं बाद हीअ ख़ूबसूरत जानवर अची ठहंदा आहिनि। अचो त उन सां ॻाल्हायूं था, सिंधी लाइफ स्टॉक एक्सपो मौजूदु आहियूं, उते जेके मौजूदु माण्हू आहिनि उन सां ॻाल्हाईंदासीं। मैडम, हमने आपको देखा कि आपके जो डॉग्स थे वो भी नुमाइश में पेश किए, कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ आके, कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा है और फर्स्ट टाइम मैं इस नुमाइश में आई हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी वगैरह, रिस्पेक्ट जो इतनी मतलब दी जाती है कि मतलब अगर किसी और सिटी से हम आए हैं तो हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया गया है आज, और हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे डॉग्स भी काफ़ी कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हम फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ इतनी जल्दी घर से बाहर निकल नहीं पाती, उनके लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट इन क्रिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू पेट लवर्स के लिए क्या आपका पैगाम? पेट लवर्स के लिए ये है कि पेट से प्यार करें, थोड़ा मतलब उन पर गुस्सा भी करना चाहिए ट्रेन करने के लिए, बट उनसे प्यार करें, कभी भी मतलब उनको हर्ट नहीं करें, अगर आप इनकेस किसी को देखते हैं ये ना करें कि छोड़ दें,
आपका बनता है कि आप उनको जरा सी हेल्प करेंगे ना, शायद वो जिंदगी भर आपको दुआएं और वफादारी दिखाएंगे। नहीं, देख रहे थे हम लोग, आपके डॉग्स भाग रहे थे तो आप उनको डांट भी रही थी। डांट भी रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे घर पे रहते, इतना मतलब पब्लिक वगैरह में कुछ नहीं उनका इन्वायरमेंट होता, तो जैसे वो पब्लिक को देखते थोड़े से हाइपर हो जाते, तो फिर हम लोग उनको कूल डाउन करने के लिए थोड़ा सा उन पर शाउट करते हैं या लाउडली बोलते हैं कि यार अब बैठ जाओ, सिट कर जाओ या रिलैक्स हो जाओ, तो वो फिर सुन लेते हैं हमारी, थोड़ा गाइड करना पड़ता है उनको, बट उनसे बेस्ट कोई भी नहीं होता। मेले में वो मज़ो अची वो असा नंढे बार के वी आया आयो नंढे बार के सब पढ़ी खड़ी असा पढ़ी कर पहनी कदम डिठा कर पढ़ी हिंद भी आया आयो सब पढ़ी दिसन में अचन पाया नंढो बार वो खुशी थी रो है। सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो में मौजूद आयो उत मू जन पाँचा परिंदा आंदा या पाँचा पखी आंदा या जानवर आंदा उन गालू पा कोशिश कहीं असा गुड एक दोस्त मौजूद है जैसे बाज आंदो है इतने। सर ये जो हम इसको सिंधी में तो बाज कहते हैं, वैसे इसका ओरिजिनल नाम क्या है और इसकी कौन सी नस्ल है? ये इंपीरियल ईगल है, ये साइबेरिया से आते हैं माइग्रेट करके यहाँ पर, ठीक है, और ये लेनर फैल्कन है, ठीक है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज से हैं इनका ताल्लुक। तो इनकी जो नस्ल है वो पाकिस्तान में इसके अलावा है कहीं या मतलब ये नायाब है? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी नस्ल नहीं है, इस जैसी दूसरी बर्ड्स होती हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी ब्रीड कहलाती हैं, ये वहाँ से माइग्रेट करके आते हैं या वहाँ से इनको जो है वो बाय एयर कैरी करते हैं। हाथ हाथ में लगाए बेटा। अच्छा, इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए या इनकी पैदावार के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम आते हैं या आप शौकीन हजरात जो हैं उनकी तरफ से कुछ किया जाता है ताकि ये परिंदे और बढ़ सकें, तादाद ज़्यादा हो? अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से इनमें लाइसेंस है और वैसे अभी आजकल इम्पोर्ट बैन हुई भी है, लेकिन ये इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो कर रहे हैं कोशिश इस पर, वो इनको यहाँ ब्रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, सिंध गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये एक्सपो है, इसको कैसे देखते हैं? जी, सिंध गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इससे लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, लोगों को मालूमात होगी, पता चलेगा और जो है वो ये इस बेहतरीन हॉबी को डेवलप करने के लिए जो है वो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा, इसमें लोग इस पर आएँ, इसको इस हॉबी को अपनाएँ, ठीक है ना, और इस हॉबी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, इसको अगर प्रॉपर तरीके से लेके चला जाए तो। जी, एक्सपो में मौजूद आयूँ इतने एक भाग्य वसंत अगर मौजूद है जैसे गुलाबी नस्ल जो बकरियां वो मौजूद है, साई का पुछंदा जो गुलाबी नस्ल है या कदें का हलंदी पे अचे कड़ी कड़ी नस्लू हैं सिंध के कड़े कड़े जिले में ही गुलाबी नस्ल की बकरी है वह होंगी है, साई गुलाबी नस्ल की बकरी है सिंध के कड़े कड़े जिले में होंगी है, इनकी जी पालना है वह कें थी कड़ी इनकी खुराक होंगी है? असल बकरी ही है नौशहरो फिरोज, डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फिरोज की कच्चे के इलाके की ही जेका आहे सा क्रॉस कयल आहे, हिन खे 20-22 साल थिया आहिनि हिन जे नसुल खे हिते असां वटि, हीअ ॾाढी मुफ़ीद आहे, हीअ ॿाहिरीं दुनिया में बि हिन जी वॾी डिमांड आहे हिन बकरीअ जी। हिन जी खुराक इहा ई आहे साओ गाहु आहे, पलड़ो पापड़ आहे, अन आहे, साईं इहो खो इहो आहे खारका कतल इहे ॾींदा आहियूं जेका खाईंदी आहे। भाॻे खे वॾो फ़ाइदो थींदो, फ़ाइदा हिते आहे कॉम्पिटिशन थी थिए भाॻियो हिकु ॿिए जे रीस ते चवंदो त अञा बि सुठे नसुल जूं अञा सुठियूं सुठियूं अञा नसुल पैदा कयूं, हूअं त पंहिंजे मूंसां अकेलो आहे सभु को कहिड़ो आहे जेकी थियो फसल उहो ईअं थींदो आहे, हीअ त हींअर आहे जो पाण में गॾिजूं था 12 महीने खां पोइ हिकु ॿिए सां कचहरियूं थियनि थियूं कॉम्पिटिशन थिए थी पई, पोइ उन में थोरो शौक़ु वधे थो अञा बि नसुल खे अञा वधीक सभु को पंहिंजी कोशिशि कंदो। अॼु हिन वक़्तु एक्सपो में मौजूदु आहियूं पंजाब जा जेके लाइफ स्टॉक खातो आहे पंजाब जो, उन्हनि पारां बि हिते हिन मेले में तमामु घणो माल आंदो वियो आहे, लाइफ स्टॉक पंजाब खाते जा डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उनखां पुछंदासीं त कहिड़ी कहिड़ी नसल जो जेको जानवर आहे उहो हिन मेले में पंजाब सूबे पंजाब मां आंदो वियो आहे ऐं उन्हनि जेको हिते नुमाइश पेश कई आहे, हीअ नुमाइश उहे कीअं था ॾिसनि छो त पंजाब में बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं नुमाइशूं लॻंदियूं आहिनि, पंजाब जी नुमाइश ऐं सिंध जी नुमाइश में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ऐं हुननि हिन नुमाइश में कहिड़ा कहिड़ा जानवर आंदा? अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस जो नुमाइश में लाइफ स्टॉक पंजाब की तरफ से कौन कौन से जानवर नुमाइश के लिए लाए गए? जो हमारी तरफ से लाए गए हैं DDP नाची और दो ब्रीड हम लाए हैं अपनी गोट्स के अंदर, और दूसरे मतलब लाए हैं बड़े जानवरों में साहिवाल लाए हैं बहादुर नगर उकाड़ा से, और एक दूसरा फार्म है उससे हम बीतल लाए हैं, ठीक है, अंगूर जो होता है क्या कहते हैं नुकरा गोट वो लाए हैं, इसी तरह हम ये जानवर लाए हैं। अच्छा, ये मतलब एक्सपोज तो पंजाब में भी होते रहते हैं, पंजाब में भी एक्सपो होता है, सिंध में, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है और इस एक्सपो को आप कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा माहौल है, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें इतने सारे जानवर हैं, पंजाब के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है?
यहाँ आकर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतना बड़ा मेला मुकदम मिसाल इतने बड़े लेवल पे मिसाल है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बेशक इतने बड़े ऑर्गेनाइज़ किए इसमें कुछ ना कुछ 19-20 का फ़र्क आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया है। हम एक बहुत दूर से आए हैं लेकिन हमें हर चीज़ की सहूलत यहाँ मौजूद है, और दूसरा जो केवल केड हो रही है जानवरों की, हर चीज़ जो है ना बेहतरीन हो रही है। अजी एक्सपो में मौजूद आई हूँ पंजाब जो एक बो भाग्य वसंत नगर मौजूद आए, उन्होंने कहा पूछंदासी अच्छा सर हमें ये बता दें कि आप पंजाब से कौन कौन से जानवर इस नुमाइश में लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर महमूद जावेद गोरसी है, मैं डायरेक्टर हूँ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च एंड रिसर्च सेंटर बहादुर नगर ओकाड़ा का। तो हमें मैंडेट दिया गया था कि सिंध में मेला जो हैदराबाद में हो रहा है उधर आपने जानवर लेके जाने हैं, तो हम 102 जानवर लेके आए हैं, 9 ट्रक हम जानवरों के लेके आए हैं। तो इसमें नीली रावी बफलो है और साहिवाल कैटल है हम जो लेके आए हैं, चोलस्तानी हैं और चोलस्तानी के मेल हैं, इसके अलावा दाजल के जानवर हैं हमारे पास, लोहानी के जानवर जो हम लेके आए हैं, नुकरी के लेके आए हैं, कजली के लेके आए हैं, थली के लेके आए हैं और देरा दीन पना के लेके आए हैं, नाची के लेके आए हैं। तो ये इधर आके हमने काफ़ी नई ब्रीडें देखी हैं जानवरों की, तो लोगों के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जो सूटेबल ब्रीड होगी हम इधर सिंध से ले जाके पंजाब में उसे पालेंगे, और जो सिंधी भाइयों को चाहिए वो हम उन्हें देंगे वो इधर सिंध में ला के। अच्छा सर ये आप पंजाब से आए हैं तो यहाँ का जो एक्सपो का माहौल था वो आपको कैसा लगा, अरेंजमेंट्स जो हैं वो कैसी हैं इस हवाले से बताइए। अरेंजमेंट्स बहुत आला हैं जी, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली माहौल है, हम बहुत खुश हैं इधर आके, हर बंदा हमारी इज्जत करता है, पंजाब से आए हुए दोस्तों को वेलकम किया हर बंदे ने, तो हम भी इनके भाई हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे इधर। अजी नाजरीन सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो में मौजूद आई हूँ, बया भाग्यास नगर मौजूद आए, उनका पुछंदी तो कड़ो माल उन्होंने आंदो है, उनकी खुराक की है, उनकी पालना में कड़ी कड़ी दुखाई इंदी है, इतने अची उनके किए पे लगे सही बुधा तो कड़ो माल तक इतने आंदो है। पैरी तो आं मोहम्मद रमजान लगारी दिंगाणू बोजदा टनोल यार माल कारियों अस कछड़ू रिढ़ू काया आयूँ जैसे कन मथा गुल या चार कन खी चो उ कारियो आन हाँ इन पेरी पेरी रहे मानू जो मसलो जो चारे इन धारण वा अस धारे छो चारण वो मू नो मिले परेशान आयो बो चारो अस वी रखा जी पलड़ा बुबर जहाँ वी रखा उखारा बो तो पी बनियो है बरसिंग है हुआ है दवान जो मसलो है दवान जो मसलो है इलाज में मसलो है डॉक्टर उन्होंने चूं था कुछ असा तजर्बा जो वे घने कदर कम अचन था ये हाल। अच्छा सही एक्सपो में ता आया हो इतान जगह सहूलतू आन उए किया आन इतान जो माहौल ता के किया बिल्कुल माहौल बेहतरीन आए डॉक्टर तावन बिल्कुल कन प्या माल जो गा दियन प्या चारो दियन प्या असा जा जके मानु इते रहन ता उनन के मानी सुठी तरह खराइन प्या आई हिफाजत सुठी आए काब असा के हन मैलेज में तकलीफ काने का जे गाल के तकलीफ घणी चेजे वा काने बाकी रश तो हुई है वो ऐसो पा रश तो सही मेरे ख्याल में तक भाग्य फायद बी जानवर झंग जान रश ऐसा टहन था हाँ यहाँ तकलीफ है जो असें गहरे गहरे उसे पहुँचा पैन था। अजी नाजरीन सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो में मौजूद आयो इन वक्त घोड़न वे पोर्शन में असं आया भाग्य वसंत नगर मौजूद है घोड़न जो शौकीन है उनका पुछंदी तो हे घोड़ा इतने आंदा हुआ इन जी नुमाइश थी है उनमें उन्होंने घोड़न की शिरकत की घोड़न की जो पालना है उन हवा से पुछंदी एक्सपो के बारे में पुछंदी सर बुधा जो घोड़ो हों जो तुम पालींदा हो कड़ी नसल जो घोड़ो है इनकी खुराक कड़ी हूँ इनके पालन में कड़ी कड़ी दुख्यू तक दिखन पवन इन में चार पंज नसल है सिंधी नसल आड़ो हीरजई नसल आड़ो माना किरासिंग में हों मिक्स में एकड़ो काबिली नसल हों खुराक के हवा से ऐसी बादाम पिस्ता जव वगैरह दींदा कणक को दींदा जव जे पंज किलो खान खाए तो एक घोड़ो तक एक्सपो नुमाइश लगाई अगे वे कदें भी अड़ी सहूलत न मिली जारे मिली बिल्कुल हाँ इन नुमाइश से जो भाग्य है या जो शौकीन है उनके फायदो मिलंदो एडे एक्सपो से बिल्कुल फायदो तो इन का वधी खर्च कयो दा वणन शौक आ दिल्ली बहरहाल खुशी थी जो इंतजाम सुठो कयो अजी नाजरीन सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो हैदराबाद में मौजूद आसी आम मानन से गालायो सी व्यापारन से गालायो सी खास करे जेके पंजाब का व्यापारी ए मालवन जेके मालिक है या पंजाब जो लाइफ स्टॉक वारो वजीर होयो उनखा अलावा जेके व्यापारी होया जेके शौकीन होया जेके माल खणी आया है पूरे सिंध मा जेके मानु माल खणी आया है एक्सपो में उनन से गालायो सी उनका पुछो सी ए उनसा गरो गड लाइफ स्टॉक
पंचायत जे जेके सेक्रेटरी आहिन एजाज महेसर साहब उन्हनि सां ॻाल्हायो सी ऐं उन सां गॾु बारी खान पिताफी खान साहब ॻाल्हायो सी। उन्हनि चवण आहे त इन क़िस्म जा जेके मेला आहिनि उन कराइण जो अक्सर मक़सदु इहो आहे त भाॻे खे आगाही ॾिजे त माल कीअं पालजे, माल जी कहिड़ी कहिड़ी नसल आहे या जेके सुठी नसल जा जेके जानवर आहिनि पखी आहिनि उहे पालिया वञनि, जीअं माली तौर ते बि जेको माण्हू आहे उहो मज़बूत थिए, असांजो सिंधी जो माण्हू जेको माली तौर ते बि मज़बूत थियो, सुठी नसल जा जानवर पाले, सुठी नसल जा उहे जानवर जेके सुठी तइदाद में खीर ॾियनि या उहे जेके महांगा हुजनि मार्केट में उहे पालिया वञनि। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ॾींदा इजाज़त। अलाह भाई।